वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। गुरुकुल क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ वो है इंग्लिश लिटरेचर पे एसे जेएसएस सीमन, जिसका नाम है ऑन ट्रेवल बाय ट्रेन बाय जेबी प्रेस्टली। और काफ़ी इंटरेस्टिंग सी बातें कही हैं राइटर ने इस एसे में। जिन लोगों ने ट्रेन में सफ़र किया होगा वो ये सारी बातें को महसूस किए होंगे कभी ना कभी अपने लाइफ में। तो इससे पहले कि मैं ये स्टार्ट करूँ, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, दबाइए बेल के आइकन को ताकि आगे आने वाले सारे वीडियो को आप देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सजेशन है कि स्टार्ट करने से पहले आप पेपर और पेन जरूर रख लें, क्योंकि यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आएंगे जिन्हें आप नोट कर लेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राइटर ने टोटल 10 करेक्टर के बारे में यहाँ जिक्र किया है। ट्रेन में 10 करेक्टर, डिफरेंट डिफरेंट करेक्टर के बारे में जिक्र किया। हम एक एक करके सारे को एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहला करेक्टर है द मिडिल एज वूमेन, एक मध्यम वर्ष की महिला, मतलब मध्यम आयु की महिला। इसके बाद में राइटर कहते हैं कि इनकी वॉइस कड़क है, मतलब कर्कश है थोड़ी, और इनका फेस पीतल के जैसा है। जो ज़्यादा मेहनत करते हैं तो उनका फेस जिस टाइप से होता है उसी टाइप से। और ये महिला ट्रेन के उस बोगी यानी कि कंपार्टमेंट में घुसने का प्रयास कर रही है जो पहले से ही भरा पड़ा है, मतलब उसमें काफ़ी भीड़ है। और इसके करेक्टर के बारे में राइटर कहते हैं कि ये साउटिंग करते हुए, मतलब चिल्लाते हुए आ रही है, और इसके साथ इसका कुत्ता है जो कि सेम टेम्पर का, मतलब सेम नेचर का है, सिर्फ उससे 1 डिग्री कम एग्रेसिव है। इतना वुमेन एग्रेसिव है। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट करेक्टर जो है वो है हैवी कैरियर। तो हैवी कैरियर्स के बारे में राइटर कहते हैं ये वो लोग होते हैं, पैसेंजर होते हैं, जो जर्नी जब स्टार्ट करते हैं तो उनके साथ बहुत सारे सामान होते हैं, हाउस होल्ड यूटेंसिल्स, मतलब पूरे घर के सामान अपने साथ लेके चलते हैं। और मतलब उनके बारे में राइटर ने कहा है कि वो बास्केट कैरी करते हैं जिसमें फ्रूट होते हैं, बंचेस ऑफ फ्लावर होते हैं, ऑड वंस, मतलब तरह तरह के सामान होते हैं, मतलब जो अननेसेसरी सामान है वो भी उनके साथ होते हैं। आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट जो है वह है द नॉन स्टॉप ईटर्स। इससे तो आप समझ ही रहे होंगे, लेखक उन लोगों को इंडिकेट कर रहे हैं जो ट्रेन में बैठते हैं और हर टाइम कुछ ना कुछ खाते या पीते रहते हैं। लेखक इनके बारे में कहते हैं, जो कि राइटर हैं, कि ट्रेन में अगर कोई कुछ बेचने आ रहा है, कुछ भी हो, तो ये वैसे ईटर्स होते हैं जिनका माउथ हमेशा खाने से भरा होता है। वो हर सामान खरीदते हैं, खाते हैं, अगर उनके पास कुछ है तो वो भी खाते हैं, मतलब ये जनरली पूरे जर्नी में खाते ही रहते हैं। नेक्स्ट द नोइजी चिल्ड्रंस। तो राइटर इसके बारे में बोल रहे हैं कि बच्चे ट्रेन की जर्नी के लिए, ट्रेवलिंग के लिए अच्छे नहीं होते, क्योंकि ये पूरे रास्ते जर्नी में दूसरों को डिस्टर्ब करते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, रोते रहते हैं, शाउटिंग करते रहते हैं, और जो चॉकलेट खाते हैं वो चॉकलेट पूरे फेस में लगा कर रखते हैं, और जो ट्रेन की विंडो होती है उसमें चढ़ने का कोशिश करते रहते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है द क्रैंक। तो क्रैंक के बारे में राइटर यहाँ डिस्क्राइब करते हैं कि वो लोग होते हैं जो हमेशा विंडो के पास बैठते हैं और ठंड के दिन में विंडो खोल के रखते हैं,
जिससे ठंड हवा अंदर आती है, ठंडी हवा अंदर आती है, और गर्मी के दिन में विंडो बंद करके रखते हैं और दूसरे को ये बोलते हैं कि ये जो गर्म हवा अंदर आएगी उससे उन्हें परेशानी होगी। तो उन्हें राइटर ने क्रैंक कहा है। आगे चलते हैं, आगे है द इनोसेंट पीपल। इनके बाद में राइटर कहते हैं कि ये वो लोग होते हैं जो वोट करते हैं रॉन्ग ट्रेन में, रॉन्ग ट्रेन में चढ़ जाते हैं, और उन्हें ये नहीं पता रहता तो ट्रेन का टाइम टेबल के बारे में कि कौन ट्रेन कब और कहाँ जाने वाली है या फिर वो किस प्लेटफॉर्म पे आएगी। वे वैसे लोग होते हैं जो जहाँ खड़े रहते हैं उस प्लेटफॉर्म पे जो भी पहले ट्रेन आती है वे उस पे चढ़ जाते हैं। लेखक उनके बारे में चिंता भी जाहिर करते हैं, क्या वो कभी अपने डेस्टिनेशन जहाँ पे वो रहते हैं पहुँच पाएंगे या नहीं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है द माइटी स्लीपर। ये भी तो इस बात से भी क्लियर हो गया होगा, ये उन लोगों को राइटर कह रहा है जो ट्रेन में चढ़ते हैं और कुछ मिनट बाद सो जाते हैं, और तब तक सोए हुए रहते हैं, ये माइटी स्लीपर होते हैं, तब तक सोए हुए रहते हैं जब तक कि उनका डेस्टिनेशन आने से कुछ मिनट पहले ही वो उठते हैं, सामान पैक करते हैं और ट्रेन से उतर जाते हैं। मतलब वो ट्रेन में चढ़ते हैं, सोते हैं और उतरने से कुछ मिनट पहले जगते हैं और फिर ट्रेन से उतर जाते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट का जिक्र किया है, नेक्स्ट है द सी फेयरिंग मैन। तो इसके बारे में राइटर कहते हैं कि ये लोग ट्रेन जर्नी में गुड कंपनी होते हैं, ये अच्छी कंपनी वाले लोग होते हैं और हमेशा आपसे क्रैंक करने के लिए रेडी रहते हैं। ये मतलब वो हमेशा आपसे एंटरटेनमेंट की बातें करते रहेंगे और ये बातें वो करते ही रहते हैं जब तक कि आप डेस्टिनेशन पे ना उतर जाए। इसके बाद नेक्स्ट है द कॉन्फिडेंशियल स्ट्रेंजर। इसके बारे में राइटर कहते हैं, इसकी तुलना राइटर कंपेयर करते हैं इसे हैरी बुलडॉग से, जो काफी स्ट्रेंज लगते हैं देखने में, और अगर इन कॉन्फिडेंशियल स्ट्रेंजर से बात किया जाए तो ये पहले तो बात नहीं करते हैं, और अगर बात किया जाए तो ये सिर्फ वही बात करते हैं जो उनके इंटरेस्ट का हो। कोई और भी बात चलते रहती है तो ये वो बात को बीच में लाएंगे जो कि उनके इंटरेस्ट का, वो अपने मुताबिक वो बातें करते हैं। लास्ट करेक्टर के बारे में जिस राइटर ने यहाँ जिक्र किया है वो है द एल्डरली मैन, यानी कि बूढ़े पर्सन के बारे में मैन बता रहा है राइटर, कि वो लोग होते हैं जो वेल ड्रेस्ड होते हैं, अच्छे से साफ सुथरे ड्रेस होते हैं पहने रहते हैं, ट्रेन के कॉर्नर सीट में बैठे रहते हैं और हमेशा बातें करते रहेंगे ट्रेन के बारे में कि आज ट्रेन कुछ मिनट, 3 से 4 मिनट अपने सही टाइम से पीछे चल रही है, चाहे ट्रेन राइट टाइम भी चल रही हो तब भी ये बात जरूर करेंगे। और लेखक अदर रीडर्स को ऐसे लोगों से बचने की सलाह भी देते हैं। सो टोटल ऑल ओवरऑल इतनी करेक्टर के बारे में जिक्र किया है जेबी प्रेस्ली ने, जिसके बारे में मैंने बताया, और ओवरऑल यही स्टोरी है इसकी। हर एक करेक्टर का डिफरेंट, कोई कंबाइन स्टोरी नहीं है, ये अलग अलग स्टोरी है, डिफरेंट जो मैंने आपको डिस्क्राइब की है एक वीडियो में। होप्स आपको पसंद आई होगी। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जैसे हूज फेस इज डिस्क्राइब एज द फेस ऑफ बार्स। तो ये शुरू में जो सबसे पहला करेक्टर था उसके बारे में यहाँ पूछा जा रहा, तो वो था द मिडिल एज वुमेन। इसके बारे में लेखक ने कहा था कि उसका फेस बार्स जैसा है और जो
नॉइजी साउंड करते हुए अपने कुत्ते के साथ भीड़ से भरे हुए कंपार्टमेंट में घुसने की कोशिश कर रही है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर द कॉन्फिडेंशियल स्ट्रेंजर कंपेयर टू, कॉन्फिडेंशियल स्ट्रेंजर को किसके साथ राइटर ने कंपेयर किया है, तो वह है अ बुल डॉग। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कैरेक्टर आर नॉट डिस्क्राइब बाय राइटर इन द एसे ऑन ट्रेवल बाय ट्रेन। तो ये डिपेंड करता है आपके ऑप्शन पे कि वहाँ पे कैसे कैसे ऑप्शन हैं। आपको यहाँ पे जितने भी 10 करेक्टर के बारे में बताया है मैंने, उसके अलावा जो भी एक करेक्टर वहाँ पे मेंशन होगा वो आपका राइट आंसर होगा। होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो करिए लाइक और शेयर करिए फ्रेंड के साथ और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।